Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान एक सीट की काफी ज्यादा चर्चा थी और वो सीट कोई और नहीं बल्कि प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा। जी हां, बात करें तो कुंडा विधानसभा से बाहुबली कहे जाने वाले राजा भैया चुनाव लड़े थे और वहां पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर गुलशन यादव मैदान में थे और वहां का मुकाबला दिलचस्प हो गया था। जबरदस्त तरीके की लड़ाई और खूनी संघर्ष देखने को मिला था। हालांकि जब नतीजे आए तो फिर से राजा भैया इस सीट पर जीत दर्ज के इसके बाद उनका वर्चस्व कायम हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी कुंडा के जो विधायक बाहुबली राजा भैया हैं, उनकी मुश्किलें कम होती नजर आ रही है। बात करें तो प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है। उनके करीबी एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी के फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में डीजे कोर्ट ने उनकी जमानत को रद्द कर दी है। वहीं बात करें तो गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया है। कोर्ट ने जमानतदारों को भी नोटिस जारी करने के लिए कहा है। बात करें तो एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ने 1997 में नगर कोतवाली सिविल लाइन के पते पर एक सशस्त्र लाइसेंस लिया था, जिसमें तत्कालीन नगर कोतवाल डीपी शुक्ल ने पते को फर्जी बताते हुए मुकदमा पंजीकृत किया था। उसके बाद चार्जशीट दाखिल की थी। 15 मार्च 2022 को एमपीएमएल कोर्ट ने अक्षय प्रताप को फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस के मामले में दोषी माना था और 22 मार्च को सजा सुनाने के लिए फैसला सुरक्षित रखा था। 23 मार्च में सुनवाई के बाद अंतिम फैसला सुनाते हुए 7 साल की सजा और ₹10,000 का जुर्माना लगाया और उन्हें कारागार जाना पड़ा था। एमपीएमएल कोर्ट के फैसले को उन्होंने जिला अदालत में चुनौती दी। जिला जज ने सजा पर स्टे लगाते हुए तुरंत रिहा करने का आदेश दे दिया था, जिसके बाद 24 मार्च को जेल से बाहर आ गए थे। इस मामले में अक्षय को 20 अप्रैल को जिला जज कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उनके वकील ने कोर्ट में हाजिरी माफीनामा पेश किया और 22 अप्रैल को भी वो कोर्ट में नहीं पहुंचे। इस बार वकील के माफीनामे को नामंजूर करते हुए उनकी जमानत को निरस्त कर दी और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दे दिया है। तो राजा भैया की मुश्किलें इस चीज को लेकर बढ़ गई है। बात करें तो जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया की पार्टी से उनके करीबी अक्षय प्रताप ने 5वीं बार पार्टी से नामांकन किया था, लेकिन सजा मिलने के बाद गोपाल जी की पत्नी मधुरमना का भी नामांकन राजा भैया ने करा दिया था। कोर्ट द्वारा सजा पर स्टे मिलने के बाद अक्षय प्रताप ने ही चुनाव लड़ा और जीत गए, लेकिन अब दोबारा कोर्ट के आदेश पर गैर जमानती वारंट होने पर अक्षय प्रताप समेत राजा भैया की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। खैर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।